एल्विश यादव ने एक बार फिर से अपने ब्लॉग में नेगेटिव पीआर की बात की है और ये साफ साफ कहा है कि अब जो अज्जू भाई को आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कराया है, अब अज्जू भाई किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं मुझे नहीं पता, तो उन्होंने नहीं कराया है। पर एल्विश ने इसके बाद एक लाइन का इस्तेमाल किया कि मुझे मालूम है किसने किया है और उसके ये जो जितने भाई उठकर आ रहे हैं ना, उसके जितने भाई उठकर आ रहे हैं ना, उसके कुछ भाई को तो हम ही उठा देंगे ऐसा कुछ। मैं सुनाती हूँ आपको वो क्लिप। बेशक उसके कितने भाई उठकर आ जाओ, बेशक उसके कितने भाई उठकर आ जाओ, कई भाई तो उठा भी देंगे हम। दो बार उन्होंने ये बात बोली कि बेशक उसके कितने भाई उठकर आ जाए, बेशक उसके कितने भाई उठकर आ जाए। तो आपको क्या लगता है कि एल्विश नाम लिए बिना बार बार किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? क्योंकि कल भी जिस तरीके से वो भाई भाई कह रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो अभिषेक को बोल रहा है। हालांकि अभिषेक ने बोला कि वो तो मेरा भाई है, भाईचारा रहेगा ही। इसके बाद फिर से जो है आज उसके कितने भाई, तो क्या वो भाई, क्योंकि अभिषेक का एक बड़ा भाई है ही, तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या एल्विश को वाकई में जो ये है क्लियरली इस बात को इशारा करता है कि उसको लग रहा है कि अभिषेक ने किया है, हालांकि नाम उसने कहीं पर भी नहीं लिया है। लेकिन अगर मैं सोशल मीडिया पर देखूं और कल जिस तरीके से खुद अभिषेक ने भी इस पर क्लैरिफिकेशन दिया, तो और स्पेकुलेशन इस बात की बढ़ जाती है कि क्या ये इशारा बार बार एल्विश को लगता है कि अभिषेक करवा रहा है, जबकि अभिषेक का ये कहना है कि वो तो मेरा भाई है और हमेशा रहेगा। तो बहुत सारे लोगों ने इस बात की भी अपील की कि एल्विश को आगे आकर नाम बता देना चाहिए। तो क्या आपको भी लगता है कि ये स्पेकुलेशंस बढ़ती ही जाएंगी, सवाल उठते ही जाएंगे, कभी इस पर कभी उस पर लोग सोचेंगे ये कर रहा है, तो क्या वाकई में एल्विश को नाम बता देना चाहिए? आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं।